तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इस टाइप के गैस वाले हमारे लाइटर होते हैं, अगर इनकी गैस कभी ख़त्म हो जाती है तो किस तरीके से इसके अंदर गैस को फिर से रिफिल किया जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को भैया आप शुरू से एंड तक देखें, और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस को भरा कैसे जाता है इसके अंदर, अगर कभी गैस ख़त्म हो जाए तो। इसके लिए ना मार्केट में इस टाइप का ये गैस सिलेंडर आता है, ये देखिए अभी नया सिलेंडर है, मैं कल ही मार्केट से इसको लेके आया हूँ, तो बिल्कुल नया सिलेंडर है। इसकी मदद से हमें इसके अंदर गैस को रिफिल करना होता है। तो देखिए कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग को निकाल लेता हूँ इस तरीके से, जो इसकी पैकिंग है इसको हम इस तरीके से हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें हटाना है, ये मैंने हटा दिया। और ये देखिए इसका जो ऊपर का ये ढक्कन है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, ये मैंने इस तरीके से निकाल दिया है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ में ना ये प्लास्टिक निकलता है, ये देखिए ये इसके साथ में प्लास्टिक निकलता है, इस प्लास्टिक को हमें अंदर डालना होता है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम अंदर डालेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने प्रेस करा तो आप देख सकते हो यहाँ से गैस हमारी निकल रही है। तो इसको ना हमें इसके अंदर फिट करना है, इसको मैं ऊपर से ऐसे प्रेस करके इसको पहले फिट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फिट करना है, ये देखिए ये मैंने इसको जैसे ऊपर से उंगली लगा के इसको प्रेस किया है, नहीं तो हमारी इस तरीके से अगर हम इसको प्रेस करते तो गैस निकलती। तो इस तरीके से मैंने फ़िट किया, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये फिट हो गया है, इसका जो प्लास्टिक है यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो गया। अब ये देखिए मैंने नया सिलेंडर लिया है तो इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, फिलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जैसे कि हमें इस लाइटर के अंदर गैस को भरना है, तो इस टाइप के या फिर इस टाइप के जितने भी लाइटर होते हैं उसके अंदर अगर जितनी भी गैस पड़ी हुई है उस गैस को हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि ना इस गैस के साथ में एयर बनी होती है, तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट इसके अंदर भरोगे तो इसके अंदर सही से गैस हमारी जाएगी नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना होता है, जब भी आप किसी भी लाइटर के अंदर गैस वगैरह भरो तो सबसे पहले उसकी जो थोड़ी बहुत गैस बची हुई है या इसके अंदर जो एयर है उसे हमें निकालना होता है। तो आप उसे किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये पेचकस है, इससे मैं इसकी जो बाकी बची गैस है इसको निकाल देता हूँ, इसके साथ में इसकी जो एयर है वो भी हमारी निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप बिना एयर निकाले इसको दोबारा से रिफिल करोगे तो ये सही से इसके अंदर गैस हमारी जाएगी नहीं और काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सारी गैस को निकाल लिया है, आप देख सकते हो हमारे लाइटर के अंदर अब थोड़ी बहुत भी गैस नहीं है। इसी तरीके से आपका लाइटर होना चाहिए, जब भी आप रिफिल करने जा रहे हो अपने लाइटर को तो इस तरीके से आपको सबसे पहले उसकी एयर और उसकी गैस को निकाल लेना है, ठीक है। निकालना बिल्कुल आसान है, जो कि मैंने बता दिया है। अब देखिए इसके अंदर भरना कैसे है, रिफिल कैसे करना है। तो ये क्लिप जो हमने लगाई है इसको हमें सिंपली इस तरीके से बीचों बीच लगाना है, देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे, ये मैंने इसको लगाया, और इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें प्रेस करना है। ये देखिए आप हमारी जो गैस है बड़े आसानी से भर रही है, हल्के फुल्के साइड से निकल रही है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। देखिए इतनी गैस हमारी भर गई है, फिर से हमें इसको दोबारा से जोर लगाना है, देखिए ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये फिर हमारा इतना भर गया है। उसके बाद ऐसे आपको दो तीन बार करना है, कई कई में तो एक ही बार में भर जाता है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दोबारा से अपने लाइटर के अंदर गैस को रिफिल कर लिया है, और इसे रिफिल करना बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी लाइटर हो, जी ये वाला हो या ये वाला हो या फिर और किसी मॉडल का हो, अगर उसके अंदर गैस रिफिल करने का सिस्टम दिया गया है तो आप इसी तरीके से उसके अंदर गैस को रिफिल कर सकते हो। बात रही इस गैस सिलेंडर की कि ये कितने रुपए का मुझे मार्केट में मिला है, तो ये गैस सिलेंडर मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 150 रुपये का मिला है, और लगभग इसके अंदर 250 ग्राम हमारी गैस भरी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं गैस भरने का भी काम करता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप पे ये लाइटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग गैस भरवाने भी आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से लाइटर के अंदर गैस को रिफिल किया जाता है, और ये चीज़ ना आपको बिल्कुल सावधानी से करनी है और ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर आग लगने का खतरा ना हो। क्योंकि अगर ये आप काम बंद कमरे में या फिर बिना सेफ्टी के करोगे तो फिर भाई कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो इसलिए इस काम को थोड़ा सा सावधानी से करें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।